मॉर्निंग ब्रेकिंग में अब बात करते हैं गाय की। जी हाँ, बीते दिनों में देश में खूब राजनीति हुई है गाय के नाम पर, लेकिन आपको बता दें कई शहरों की गौशालाओं में गायों की भूख से मरने की खबर है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कई गाय भूख और बीमारी से मर गई है। दिल्ली की गौशाला में दो दिन में 36 गाय मर गई। हरियाणा के अम्बाला में अवैध गौशाला में 7 गाय भूख से मर गई। राजस्थान में कोटा की गौशाला में भूख से 15 गाय मर चुकी हैं। वहीं राजस्थान के ही सीकर की गौशाला में 20 गायों की मौत हुई है। दिल्ली के छावला इलाके में दो दिन के दरमियान एक गौशाला में 36 गायों की मौत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में गायों की मौत के पीछे गंदगी और कीचड़ से हुए संक्रमण को वजह माना जा रहा है। इस गौशाला में करीब 1400 गायों को रखा जाता है, लेकिन उनका रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा था। गायों की देखभाल के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम नहीं था। चारों तरफ पानी का भराव हो गया है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। गाय जो दलदल हो गई है, उस दलदल के अंदर गाय फंस फंस के मर रही है, बीमार हो के मर रही है। दिल्ली सरकार ने गायों की मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। वहीं अम्बाला के जैतपुरा में मरी 7 गायों के पीछे चारा न मिलना बताया गया है। यहां गौशाला चलाने वाले ने कई दिनों से गायों को चारा नहीं दिया था। लोगों का कहना है कि इस अवैध गौशाला में अवैध गतिविधियां चलती थी। इसकी आड़ में बस ये सोच लो कि एक नशे का वो चल रहा था, लोगों से आंट गुआंट से पैसे इकट्ठा कर रहे थे और नशा कर रहे थे, और इससे अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर गौओं का तो बस सिर्फ एक तरह से ये लगा लो कि बहाना था। सारा प्रोपगंडा यहाँ जमीन हड़पने का था कि जमीन बन जाएगी, और इनका इसकी आड़ में ये काम चल रहा था। पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद से गौशाला मालिक फरार है। हम मौके पहुंचे, मौके पर देखा कि यहाँ 6-7 गायें मरी पड़ी हैं, जिनके लिए हमें जो वेटनरी डॉक्टर है उसको बुलाया, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और यहाँ से जैसी भी हमें कंप्लेंट होगी उसी के हिसाब से कार्रवाई करें। इस गौशाला की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाय के नाम पर कितना बड़ा धोखा किया जा रहा था। न यहाँ शेड लगाया गया था, न गाय के पानी पीने का सही इंतजाम था।